साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ हाल ही में रशिया पहुंचे हैं और उनके जाने के पहले सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हुई थी। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की थी और फैंस इनको लगातार साझा कर रहे थे। मगर अब जो खबर सामने आ रही है वो आपको काफी खुश करने वाली है। पता चला है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी है। खबरों की माने तो सलमान और कैटरीना इस समय सेंट पीटर्सबर्ग में शूट कर रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि रशिया का ये शेड्यूल एक बड़ी कार चेंज सीक्वेंस के साथ शुरू हुआ है। पता चला है कि इसकी शूटिंग के पहले ही वहां कोविड-19 से बचाव के सारे इंतजाम कर लिए गए थे। बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की इस फिल्म में एक बड़ा रन चेंज देखने को मिलने वाला है। कैटरीना कैफ एक बार फिर से जोया के किरदार में नजर आने वाली हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में उनका एक एक्शन काफी दमदार होने वाला है। खबरों की माने तो रशिया में शूटिंग पूरी करने के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ समेत टाइगर 3 की टीम ऑस्ट्रेलिया और तुर्की पहुंचेगी। यहाँ पर फिल्म के काफी शानदार सीन्स शूट किए जाएंगे। इस फिल्म के लिए कई देशों की लोकेशंस को लॉक किया गया है। इसके अलावा खबर है कि रशिया में इमरान हाशमी इस फिल्म की स्टार कास्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इस शेड्यूल में उनका एक भी सीन नहीं है। जैसे ही टीम ऑस्ट्रेलिया और तुर्की पहुंचेगी इमरान हाशमी का किरदार शुरू हो जाएगा। हालांकि काफी लंबे समय के बाद सलमान खान की ये फिल्म फैंस के लिए एक तोहफा साबित होगी। जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच किसी तरह की फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई है उससे फैंस काफी नाराज हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।